आज हमारे पास एक बड़े स्पेशल गेस्ट है मैं इसे बहुत बार मिल चुका हूँ घर पे रह चुके हैं एक बार एक बार आए थे दूसरी बार शायद नहीं इनिशियटिव टू प्रिपेयर फॉर कंटिजेंसी लाइक द वे पाकिस्तानी हिंदूज आर फेसिंग टूडे दैट इज द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन आई कैन थिंक ऑफ की पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ जो इस्लामिज्म ने लैंड ऑक्यूपाई करके किया वो दोबारा नहीं होना चाहिए और उसके लिए उनका प्रोजेक्ट है पूरा एंड आई वाज रियली मूव्ड व्हेन आई वाज इन जयपुर दैट टू सी पाकिस्तानी हिंदूज हु हैव कम देयर एज रेफ्यूजीज आए थे और वो अपनी व्यथा खुद ही बता रहे थे एंड आई वाज लिसनिंग एवरी सिंगल वर्ड ऑफ इट ऑन द साइड स्टैंडिंग ऑन द साइड एंड लिसनिंग टू दैट तो आज उन्हीं से हम लोग थोड़ा बातचीत करेंगे डू कमेंट शेयर लाइक लोगों को बताते रहिए इसके बारे में एंड बिकम एक्टिव इन दीज हमारे फ्यूचर के लिए है देखिए सनातन धर्म कहीं जाने वाला नहीं है सनातन धर्म को कुछ कोई छू भी नहीं सकता लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटीज हमको मिलती हैं असुरों के द्वारा जो हम आक्रमण किया जाता है दिस इज द पाथ फॉर अस फॉर मोक्ष आल्सो बिकॉज व्हेन वी फाइट अगेंस्ट दिस अधिक

कंट्री एक मतलब पाकिस्तान और पैलेस्टाइन का कहानी एक जैसा ही है उनको आप पैसा भी दे दो तब भी मारेंगे नहीं दो तब भी मारेंगे पाकिस्तानी मुस्लिम हिंदू रूट देट इज ऑल्सो वेलकम वहीं पर रह के यहाँ पर नहीं रहो वहीं पर रहो बाउंड्री के उस पर ही रहो लेकिन सो वॉट ट कैन बी डू पहले आप पाकिस्तानी हिंदुओं की कंडीशन बताइए एंड वॉट कैन बी डू टू हेल्प दोनो नहीं फिलोसफी का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें ये तो सीधा सीधा बहुत निरीह विक्ट लोग हाँ दे आर बॉन्डेज बॉन्डेड लेबर ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी और इस्लामिक आइडियोलॉजी से लैंड ऑक्युपाई करके हिंदुओं की लैंड ऑक्युपाई करके इन्होंने हिंदुओं सिखों को वहां गुलामों की तरह रखा हुआ है दुखी बात यह है कि ये कोई हिस्टोरिकल चीज नहीं है ये ये मॉडर्न टाइम्स में ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में ट्वेंटी फोर इंटू सेवन टेलीविजन की ईरा में हो रहा बोगल्स माई माइंड कि ये कैसे संभव है कि एक जेनोसाइड हो रहा है एक करोड़ हिंदुओं लगभग बीस हजार सिखों का पूरी दुनिया के सामने और कोई बात नहीं करता उल्टा उल्टा इन राक्षसों की दाढ़ियां सहलाते रहते हैं इनको कजोल करते रहते हैं वो अपनी कनपट्टी पे पिस्तौल लगा कर बैठे कि हमको नहीं पैसे दिए तो हम न्यूक्लियर ट्रिगर दबा देंगे हम कोलेप्स कर जाएंगे तो हम इंडिया के पास में एक बवाल हो जाएगा एक रेफ्यूजी क्राइसिस हम पैदा कर देंगे मतलब ऑल blackmail, all ऑल काइंड ऑफ unscrupulous एक्टिविटीज अफगानों को रेफ्यूजी बना रखा उनको मारना शुरू कर दिया बलोच पश्तून को मार रहा है पश्तून पंजाबी को मार रहा है पंजाबी सिंधी को मार रहा है सारे मिलके मुहाजिर जो यहां से भारत से गए थे उनको मार रहे हैं वो इनको मार रहे हैं। शिया सुन्नियों को मार रहे हैं सुन्नी शियां को मार रहे हैं अहमदियों को नॉन मुस्लिम करार दिया हुआ है सो इट इज अ डर्टी जोक इन द नेम ऑफ अ नेशन स्टेट बिल्कुल सही कहा आपने ये हिंदू लैंड का ऑक्यूपेशन है अब समस्या आती है कि लिविंग ह्यूमन बीइंग्स आर विक्टिम्स ऑफ़ दिस एक करोड़ हिंदू जो बिल्कुल निरीह है वहां पर और अपना हिंदू धर्म छोड़ने को तैयार नहीं है यद्यपि उन्हें सतत उनको परेशान करके रखा हुआ है उनको इकोनॉमिकली रूप से परेशान करा हुआ है उनको क्रिमिनल परेशान कर रखा है यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की रिपोर्ट है कि तीन हिंदू सिख बच्चियां प्रतिदिन उनके घरों से उठाई जाती हैं ये एक जेनोसाइड जिसके हम लोग साक्षी हैं मैं अपने इतिहास की पुस्तक में मैंने लिखा है कि जो साका जौहर हुआ जो प्रताप ने भुगता जो महाराणा सांगा के साथ हुआ जो हमारे यशस्वी हिंदू पूर्वजों के साथ पूरे भारतवर्ष में हुआ क्या पता हम उस, उस उस वक्त किस रूप में उनके साथ थे क्योंकि हम हिंदू तो पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं लेकिन जो आज पाकिस्तान के बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हो रहा है वो तो हमारी आंखों के सामने हो रहा है समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याद जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध तटस्थता न्यूट्रलिटी इज नॉट एन ऑप्शन इन दिस वॉर माई लाइफ एंड माई ब्रदर जय आहूजाज लाइफ इज कमिटेड टू टेकिंग लास्ट हिंदू एंड सरदार आउट ऑफ दुपाइड हिंदू लैंड नेम्ड एज पाकिस्तान दैट इज द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट सिवाय उनको वहां से बाहर निकालने के हमारे पास में कोई रास्ता नहीं है देखिये हमने एक बार मैं इसमें एक अपोजिंग आपो, व्यू देता हूँ मैंने बहुत सारी कश्मीरी हिंदुओं की हियरिंग सुनी है वॉशिंग्टन डीसी में बहुत सारी और लास्ट हियरिंग के बाद मेरा मन इतना उखड़ गया कि मैं कोई भी हियरिंग पे जाना मैंने बंद कर दिया और पिछली हियरिंग जो मैंने सुनी थी वो तीन साल पहले सुनी थी कोविड से थोड़ा सा पहले तो मेरे को एक पॉइंट आता है कि हमेशा अमेरिकन कांग्रेसमैन ने कश्मीरी हिंदुओं को एक क्वेश्चन पूछा तुम अपने घर छोड़ के भागी क्यों ये क्वेश्चन पूछा हमेशा तो लोग अपना घर नहीं छोड़ने के लिए वहां पे दंगा फसाद करते हैं जैसे पहले कर रहे हैं आर्म्स करते हैं भेजते हैं वहाँ पे पाकिस्तान मैंने पहले शुरू में बोला देश नहीं है एक हैं बहुत सारे बहुत सारे शक्तिपीठ एक है जिसके हिंगलाज माता जहाँ पे अभी आजकल उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है हमारी शारदा पीठ है वहां पे शंकराचार्य जी के द्वारा वहां पे तकशीला में महाभारत बोली गई थी जन्मजय को वैशम के द्वारा पहली बार मनुष्य को महाभारत बोली गई थी वहां पर बोली गई थी जन्मजय को दक्षिणा में बोली गई थी सो वी हैव मेनी सेक्रेट प्लेसेस इन दैट जो और वहां पे पुलस्त ऋषि का आश्रम भी था जहाँ पे कराची आज है तो ये सारी जगह पाकिस्तान में है और अगर हम उस पर अपना राइट छोड़ देंगे किसी भी तरह से और तो ये तो एक विकल्प ऐसा हो गया कि अभी हिंदू बांग्लादेश से भी भाग जाए पाकिस्तान से भी भाग जाए सारे देशों से भाग जाए फिर क्या होगा अभी आज वियतनाम में हिंदू हिस्ट्री खमेर राजा सारे हिंदू थे खमेर के राजा तो वियतनाम चंपा जिसको बोलते हैं हमारे हम लोग और श्याम थाईलैंड में सभी हिंदू राजा थे तो हम लोग हर जगह से क्यों भागें भागना शुरू कर दें मेरा एक क्वेश्चन है हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, है, है बट ये आप मुझे इसका थोड़ा उत्तर दीजिए कि किस लिए हम उनको सबको निकालें वहां से ये बहुत एक नॉट नथिंग पर्सनल अगेंस्ट यू क्योंकि ये व्यू मैं इस देश की मरी हुई हिंदू लीडरशिप से भी सुनता रहता हूं और मुझे बहुत गुस्सा आता है इस व्यू पे क्योंकि ये एक इनसेंसिटिव व्यू है आप जाए पाकिस्तान अगर आपको धर्म बचाना है आप रहे वहां तब आपको पता लग जाएगा वैलिड पॉइंट तीन लाख कश्मीरी हिंदू नब्बे लाख जानवरों के सामने लड़े और इंडियन स्टेट नपुंसकों की तरह पड़ी पड़ी देखती रहेगी बल्कि जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट पुलिस जिहादियों की मदद करेगी ये आप लोग यार मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि जस्ट पुट योर सेल्फ इन द शूज ऑफ द कश्मीरी हिंदू मैं मानता हूं कि चार लाख कश्मीरियों ने वहां से आकर के अपना जान और अपना धर्म बचाकर कम से कम कहानी सुनाने के लायक तो रहे वहां वीरगति को प्राप्त हो जाती है तो कौन इनकी कहानी सुनाता? और जो बाहर बैठे थे सौ करोड़ हिंदू उन्नीस के अंदर वो सबके सब, सब नपुंसक क्या कर रहे थे आप कल्पना करें कि इस तरह से मुसलमानों से कोई राज्य गुजरात के अंदर आप एक स्टेट है एक शहर है जहां हिंदू मंदिरों पे जाके बोल कि ललीम गलीव चलीम तो पूरे देश के मुसलमान वहां पर हमला कर देंगे उस जगह पर पहुंच जाएंगे हमारी लीडरशिप हमारा संत समाज हमारे साधु संत सबके सब भोग विलास में लिपटे हुए हैं अब कुछ जागृति आई है अब कुछ चेतना आई है दीदी देवकीनंदन जी ठाकुर बाल मुकुंदाचार्य जी ऐसे लोग अब धीरे धीरे धर्म के योद्धाओं के साथ अपनी बात करने लगे हैं तो थोड़ा परिवर्तन आ रहा है आप निरीह लोगों से अपेक्षा करते हैं ना आप हथियार दिए किसी ने कश्मीरी हिंदुओं को, कोई रॉक का कोई मिशन चला वहां पर चलिए आपको अगर पाकिस्तान को सारी इतनी जगहों से प्यार है प्रेम है चलिए अटैक करिए पाकिस्तान पर मैं समर्थन करता हूं होने दीजिए न्यूक्लियर वॉर हम तो प्रलय के हो जाएंगे हम तो पुनर्जन्म मिलेगा हिंदुओं को होने दीजिए पृथ्वी का नाश होने दीजिए मैं उस बात पर तो स्वीकार करता हूं मैं इन पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ मरने को तैयार हूं लेकिन मैं सोचू कि ये बिचारे वहां पर एक करोड़ हिंदू चौबीस करोड़ पागलों से लड़े बिना हथियार बिना धन बिना किसी टेक्टिकल लॉजिस्टिक सपोर्ट के ये 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 न्याय है क्या आदित्य भाई इट योर डिमांड इज योर सजेशन इवन ह्यूमेन फॉरगेट द इंटेलिजेंस एंड द प्रैक्टिकलिटी ऑफ इट ये मनुष्यता है क्या कि आप एक करोड़ निरीह हिंदुओं को चौबीस करोड़ पागलों के सामने कह रहे हैं कि उनको नहीं छोड़ना चाहिए मैं तो इस देश की मरी हुई लीडरशिप से कहता हूं ये भी ये कहते हैं हमारा यह मानना है कि जो हिंदू जहां पर है उसे सशक्त किया जाए अरे तुम मेवात को तो सशक्त कर दो जयपुर के रामगंज को तो जरा तो सशक्त कर दो दिल्ली की जहांगीरपुरी को तो सशक्त कर दो बंगाल में सशक्त कर दो हिंदुओं को केरल में सशक्त कर दो हिंदुओं को सूट केस में मक्खियों की तरह बच्चियों की हिंदुओं की लाशें मिल रही हैं भारतवर्ष में जहां 80 प्रतिशत है हम कि दिस काइंड ऑफ अ सजेशन ओनली मीन्स वी डू नॉट इवन अंडरस्टैंड द जिहादी माइंडसेट दे विल नॉट अ सनातनी काफिर को देखना काफिर का होना एक जिहादी के लिए उसका फेलियर है और उसके लिए वो चारा है कि उसके माध्यम से वो स्वर्ग की उसके अपने कल्पना के स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है अब इन पागलों का क्या करिएगा आप जिन लोगों के लिए ये जगत को रियलिटी नहीं है वहां बेहतर रहे हैं शराब के चश्मे बह रहे हैं वो हूरे जो रोज सुबह वापस वर्जिन बन जाती है मैं कई बार सोचता हूं वो हूरों के साथ में जो बेहतर मदर इन लॉज है उनका क्या करेंगे? और इस पर जिगर मुरादाबादी का एक कभी छोटी चार चार पांच लाइनें सुना देता हूं आपको उन्होंने लिखा है कि ये जो संसार है ये परमात्मा का की मैं कदा है यहाँ पर शराब पर, परमात्मा पिला रहा है तो उस संदर्भ में लिखा है उन्होंने कभी कभी इस समाज में भी अच्छे लोग हो जाते हैं यह है मैं कदा यहां रिंद है रिंद कहते पीने वालों को यह मैं कदा यहां रिंद है यहां सबका साकी इमाम है सबको परमात्मा पिला रहा है ये हरम नहीं अरे शेख जी यहां पारसाई हराम है यहां अपने आप को रोकना जो है वो हराम है कुल के पियो परमात्मा शराब पिला रहा है जो जरा सी पी के बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दो सत्ता पैसा पावर आने से जो पागल हो गया उसको बाहर निकाल दो यहां कम नजर का गुजर नहीं यहां अहले जरफ का काम है छोटे लोगों का काम नहीं यहाँ बड़े दिल वाले लोग चाहिए ये जनाब शेख का फलसफा अजब है इस जहान में जो यहां पिए तो हराम है जो वहां पिए तो हलाल है आपको पता है मुसलमान शराब नहीं पीता लेकिन मुसलमानों के स्वर्ग में शराब के चश्मे बहते हैं इसी कायनात से है जिगर कोई इनकलाब उठेगा फिर बुलंद होके भी आदमी यहां ख्वाहिशों का गुलाम है ये एक इनसेंसिटिव रिमार्क है सॉरी आई एम नॉट बीइंग पर्सनल नथिंग पर्सनल और ये एक इट शोज दैट वी डू नॉट अंडरस्टैंड द जिहादी समाज द माइंड सेट हाउ वायलेंट हाउ डेंजरस हाउ इवल दे आर देखिए पिकिंग अप टेन ईयर ट्वेल्व इयर ओल्ड गर्ल्स थ्री गर्ल्स पर डे क्वेश्चन द हिंदू समाज नीड्स टू आस्क इसलिए इस सजेशन को मैं क्षमा करें मुझे मुझे बहुत डिस्टर्ब कर देता है ये सजेशन बिकॉज इट इज एब्सोल्यूटली अगेंस्ट द होल आइडिया ऑफ जस्टिस एंड होल आइडिया ऑफ मैन काइंड अंडरस्टैंडिंग द इविल ऑफ जिहाद

Now go and get your next be, beheaded. This is not the the way it works. Call the bluff of evil. Save your own people. ये इस तरह का लॉजिक अपनी अकर्मण्यता को ढकने का लॉजिक है कि हाँ वही रहते तो अबे तू चला फिर तेरे को ज्यादा दर्द हो रहा है तो ऐसे और जो आपने बात की थी वो सब बातें के महाभारत में बोली गई थी ऐसे तो फिर ईरान इराक के अंदर आप कितनी जगह है हिंदुओं की सीरिया का नाम सूर्य हुआ करता था सीरिया को भी लिख करो लेट अस रीनेम इट सूर्या दैट्स नॉट द वे द वर्ल्ड वर्क्स बॉस आज एक करोड़ हिंदू फंसा हुआ है और कातर दृष्टि से 200 मैसेज पड़े मेरे फोन में रोते रोते फोन करते हैं बेचारे डाक साहब निकालिए डाक साहब इस नरक से निकालो एनी बडी चैलेंज करता हूं आज आप बॉर्डर खोल दो एक हिंदू पाकिस्तान में नहीं रहेगा एक हिंदू सरदार पाकिस्तान में नहीं रहेगा एक एक हफ्ते के लिए आप बॉर्डर खोल दो अगर जैसे आपने पुस्तक लिखी है हमारे बहुत सारे इतिहास मिडिवल हिस्ट्री पे आपने वेरी डिटेल बुक यू रिटन अगर उस तरह के छतरी आज होते हमारे राज्य में तो क्या होता इसमें? क्या अगर वो तो इन... है तो क्या करते हो गर्दनें काट के इनके ढेर लगाते इनकी गर्दनों के हमारी स्त्रियों हमारी बच्चियों की रक्षा करते और इनके सब धार्मिक स्थलों का नाश करके इनकी जो गंदी गंदी बातें हैं जो इनकी पुस्तक में लिखी हुई है उनको जलाते हैं उनकी होली जलाते और बीज नाश करते हैं इनका जो बप्पा रावल ने आज से 1200 वर्ष पूर्व किया बीज नाश ईरान तक जाकर खदेड़ कर आए थे इनको क्यों क्योंकि उनको राजा दाहिर के बेटे ने आकर बताया कि मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक इस्लामी लुटेरा धोखे से उसने उसके पिता की हत्या कर दी है और पूरे सिंध को उसने इस्लामी राज्य बनाने की मुहिम छेड़ रखी है लेकिन वो मलेच राजा दाहिर की दो बेटियां सूर्य देवी और परिमला देवी को सेक्स लेवरी कराने के लिए लेकर गया है उस दिन से पहले क्या हिंदुओं की आपस में लड़ाई नहीं होती थी महाभारत में क्या लड़ाई नहीं हुई हिंदुओं की आपस में हमेशा हुई है और किस स्त्री को सेक्स लेवरी करवाई गई जयदर्द को पनिशमेंट कल्पना थी थी? में नहीं थी जयदर्द को पनिशमेंट दी थी मोरस करने के लिए उसने कोशिश था आधे मूछ काटी उसका ये काटा तो ये तो हमारे राजाओं का कर्तव्य है ये तो मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि हिंदू इथोस हिंदू मान्यताओं में स्त्री को फोर्सफुली सब्जुगेट करना ये न हमारी पुराणों में है आप मुझे बता दे कोई स्टोरी जहां रेप हुआ हो किसी का कोई करता ही नहीं था रेप नहीं हो सकता था किसी महिला का ये रेप इस माफिया के आने के बाद शुरू हुआ है सात अक्टूबर <laughs> के कहानी के बाद इसराइल में हमास के साथ इसराइल ने छब्बीस हजार टन के बम गिरा चुका है छब्बीस हजार टन मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ छब्बीस हजार टन की बात कर रहा हूँ ये माफिया समझता ही फोर्स की भाषा है जस्ट किल किलोल खतम खत्म कर दो सबको लोग उसके ऊपर अटैक करना पड़े जो भी करना पड़े भाई देखिए जिसकी जब जिस जिस समाज की एक कुंवारी कन्या वरना ये अष्टमी के दिन जो कुमारी कन्या की पूजा का नाटक तो बंद करो यार ये नाटक बंद करो फिर ये चना के सब्जी और वो सूजी का हलवा और पूरी खिलारे हो जो ये ढकोसला बंद करो 120 करोड़ का हिंदू समाज अगर तीन कुमारी कन्याओं का शील नहीं बचा सकता पर डे देर देर एज टू बी वॉर देर लेट देर बी वॉर चलिए वार करते हैं ना बचाने के लिए अपने हिंदुओं को जो छूट गया हमारा भाई उसको लेने चलते हैं सब साथ चलते लेकिन नहीं जो हिंदू जहां है उसे वहीं पे सशक्त किया जाए तुम जाओ ना तुम जाओ रहो वहां जाकर के तुमको फिर हम वह, हम यहां खड़े खड़े बोलेंगे हाँ, 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 आप वहीं रहो आप सशक्त हम आपको सशक्त करेंगे अरे कश्मीर में तो तुम सशक्त नहीं कर पाए जो तुम्हारी अपनी टेरिटरी में था भाई साहब यहां से पाकिस्तान में पैसे नहीं भेज सकता क्या सशक्त करूंगा वो हेल्प जो आती है उनको सेवा इंटरनेशनल अमेरिका से आती है भारत से तो मैं आटा दाल चावल भी नहीं भेज सकता मेरे पाकिस्तानी हिंदू भाई को बिना शत्रु को समझे बिना शत्रु बोध का पूरा एनालिसिस किए पूर्व पक्ष किया नहीं है बैठे बैठे सर्व करते रहते हैं नहीं एक्चुअली है और वो पाप है आदित्य भाई बिल्कुल पाप है अधर्म को टॉलरेट करना पाप है इसी को बोलते हैं जस्टिफाई विल्कुल... कर रहे हैं टॉलरेट नहीं उल्टा जस्टिफाई कर रहे हैं आपने कर, को ये सहरा में खड़ा सोचता हूं हाय क्या लोग मेरा साथ निभाने निकले चांद के साथ कई दर्द पुराने निकले <laughs> एक अच्छा दर्शकों को बता दूं बहुत अच्छा सुर में गाना भी बहुत गाते हैं डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब वेरी दर्द बहुत है लेकिन निकलता है बार बार और उन्होंने एक गाना भी बनाया है वो मैं आपको शेयर करूंगा उसका लिंक यूट्यूब पे अवेलेबल है आई शेयर लिंक विद यू एक इसराइल का इंसिडेंट हमारे सामने है कि इसराइल ने जो हमास के आतंकवादी कुरानिक माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने कुकर में किया माइथोलॉजी है पूरा वो उसका पूरा माइथोलॉजी है पूरा झूठ मूठ का बना हुआ है सब कुछ ये लैंड ग्रैबिंग एक बड़ी लॉयल रॉयल स्कीम है, ये है। ये ये बिल्कुल सही कहा ये लैंड ग्रैबिंग स्कीम है सेम ये बिल्कुल उचित कहा क्रिश्चियनिज्म से इंस्पायर्ड भी है से ही है क्योंकि वहां के लोगों की भी यही थी थी स्कीम जो उन्होंने काम किया अभी लोग को शायद उसका ने कर चुके, वो कर चुके। ये तो उनको सिर्फ कॉपी कर रहे हैं नकली है। देखो आदित्य भाई क्रिश्चियनिटी ओवर रिफॉर्म हुई आज आप एक क्रिश्चियन कंट्री में बैठे हो आज मेरे कितने संबंधी है जो वहां रहते हैं और मैं उसका उपकार मानता हूं कि हां इन लोगों ने एक सभ्य समाज हमें दिया आज जो साइंटिफिक इंटरनेट पर अपन बात कर रहे हैं ये सब क्रिश्चियनिटी की देन है लेट अस रिकॉग्नाइज इट बहुत इस माफिया का तो कोई इस माफिया ने तो केवल दुख दिया है संसार और एक साले खुद दुखी है कितने मुसलमानों के मेरे पास में वहां पे पाकिस्तान में जो फोन आते हैं कि साहब हम तो खुद इस सिस्टम से दुखी हैं वो जो मिसिंग मिसिंग पीपल ऑफ बलूचिस्तान और हजारों की तादाद में उनको मार डाला पकड़ के तो वो मैं कल भी एक मेरा ट्वीट की है एक मौलवी है जो एक व्यक्ति है बेचारा उसकी पत्नी के साथ उसका तलाक हो गया था तो हलाला के बिना वो वापस नहीं आएगी उसने मौलवी को दी एक रात के लिए अब मौलवी का दिल लगा मौलवी उसको तलाक नहीं दे रहा मैंने देखा वो वीडियो मुझे बहुत हंसी आई मैंने उसमें लिखा कि जब काफिर खत्म हो जाते हैं तो ये एक दूसरे को खाते हैं बिल्कुल अगर को खाएंगे अगर अगर पाकिस्तान में को बाहर निकाल के दीवार बना दी जाए चारों ओर कोई बचे दो महीने में सब मार दी जाएंगे एक दूसरे मार दी, देंगे खत्म कर लोग आप बताइए ना कोई सिस्टम है आर्मी देश को चला रही है यार इस पूरे वर्ल्ड में मैं कई बार सोचता हूं कोई देश है जिसको आर्मी चलाती है ये कैसा है वो उसके लिए किसी शायद किसी पाकिस्तानी ने नहीं कही थी, थी बात की हैव आर्मी पाकिस्तान yes, huh? uh. <laughs> और मुझे बड़ी हंसी आती है पाकिस्तानी विशेषज्ञों की भारत में अरे जिसके बारे में सोचने की व्यवस्था नहीं है जो, जंगली कुत्ते भेड़ियों का जगह है जहाँ पे लोग गधे बेचल कमाते हैं उसके बारे में इतना तो विशेषज्ञ बनने की क्या जरूरत है भाई वो तो साधारण एक लाइन में लिख दो ये देशी नहीं है ये तो चोरी किया हुआ माल है चोरी का माल है वो भारत से जानबूझ के अलग किया गया है और वो इसलिए किया गया ताकि भारत को जिंदगी भर मतलब तड़पाते रहो यहाँ से सीआई का ऑपरेशन चलता है वो ऐसे आई एस आई नहीं सी आई के कुछ काम कर दे वो तो भाड़े मतलब भाड़े के टट्टू बोलते हैं ना हिंदी में कि वो है वो लोग सुरक्षा सिस्टम है वो ऐसे ही है अभी मैं एक जनरल को बोल रहा था वो बोल रहा था अब हम पहले हम भारत पर आक्रमण करेंगे मोदी को बंदी बनाएंगे फिर बाद में हम सीरिया

जिसमें हमारा मानना है कि लगभग पांच से सात लाख मेघवाल जो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन हमारे समाज की कट्टर हिंदू होते हैं वो रहते हैं आ, कुछ हजार हिंदू खैबर पख्तूनख्वा जो इनका जो पश्तून बेल्ट है वहां रहते हैं लगभग बीस हजार हिंदू इस वक्त बलूचिस्तान में फंसे हुए हैं रहते हैं ये डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है बल्क हिंदू जो है वो सदन सिंध के अंदर अभी भी पाया जाता है गांव के गांव बसे हुए हैं उमरकोट नाम का एक शहर है अमरकोट अमर सिंह जी का जो था वहां पर लगभग सेवेंटी एटी परसेंट पॉपुलेशन आज भी उस शहर के हिंदू है और और उस, अगर उनको हेल्प करनी हो तो आप हमें संपर्क करें हम वो करवा देंगे आपको बता देंगे कि इस गांव में ऐसे भेज दो ये फोन नंबर है वहां पर जो लोकल बंदा है सेवा इंटरनेशनल वाले भी काम कर रहे हैं एक रमेश जयपाल जी नाम के एक अच्छे एक्टिविस्ट हैं वो लोकल काम कर रहे हैं यद्यपि मैं इस सेवा फेवा के मैं उसमें फेवर में मैं नहीं हूं मैंने कहा ना मेरे लिए एक ही सेवा है इन हिंदुओं की और वो है उनको वहां से बाहर निकालना बट फॉर द टाइम बींग जब तक हम उनको बाहर नहीं निकाल पाते तब तक आटे दाल चावल पहुंचाना भी बहुत बड़ी सेवा है आई थिंक अमेरिका से सेवा इंटरनेशनल इस काम को अच्छा कर रहा है हमारे माध्यम से भी हो सकती है हम चाहे तो धर्मांश फाउंडेशन यूनाइटेड स्टेट्स का जो हमारा है वो वहां से भेज सकता है तो आप उसके माध्यम से भेज सकते हैं dharmanj.org पे जाकर आप मदद करेंगे और उसमें स्पेसिफिकली लिखेंगे फॉर पाकिस्तानी हिंदूस तो वी विल इंश्योर दैट दैट मनी रीचेस टू तो द नीडी हिंदूस ऑफ पाकिस्तान और और दूसरा तो आपने इकोनॉमिक कंडीशन बताया कि आटे दालें खाने का भी उनको प्रॉब्लम है भोजन का भी प्रॉब्लम है भूख भुक, भुखमरी है ना वो तो ए, एवरेज आदमी भी भुखमरी वहां पर चल पड़ी है लोग बच्चे बेच रहे हैं अपने इकोनॉमिक uh, कोलेप्स जो उस कंट्री का हुआ है वो हमें बताते नहीं ना वो पता नहीं चलने देते है उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेटर पर डाला हुआ है वो आपको लग रहा है कि यार हार्ट रेट चल रही है बीपी है वो सारा का सारा लेकिन वो आर्टिफिशियल है आप ऑक्सीजन देख के आइनोट्रोप्स देकर के हार्ट को जिंदा रख सकते हैं इन्फिनेटली जिंदा रख सकते हैं तो वो पूरे वर्ल्ड को अपनी कनपटी पे पिस्तौल लगा के तो मैं गोली मार लूंगा अपने आपको मैं गोली मार लूंगा अपने आपको और मैं फटा तो देखो सब फटेंगे इस कमरे में सब फटेंगे और गोली मत मार तू क्या चाहिए को कि मेरे को पैसे दो, ले भी पैसे ले। तो ले ले वो बिगड़ा बच्चा होता है ना जो घर का उस तरह से ये एक बिगड़ा बच्चा है हमारे पूरे ग्लोबल कम्युनिटी का और भुगतेंगे हम सब भुगतेंगे पापों। इनको जो न्यूक्लियर एम्पावरमेंट किया अमेरिका ने तो लोगों से अब दूसरा कुछ सुन रहा हूं। मैं से सुन रहा हूँ कि वो बोल रहे हैं कि इनके पास न्यूज डायरेक्टली सप्लाई किए गए अमेरिका से उनको जानबूझ के चोरी करवाया गया, हाँ गया। ये, 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 ये कर है अपनी, अपनी अपनी से हाँ, हाँ, इनको, इनको इतनी अक्ल नहीं है कि यार हिंदुओं से बड़ा आज की तारीख में गोरों का कोई अलाय नहीं है इस माफिया का मैंने आज एक ट्वीट करी अभी मैंने कहा हम तो बारह साल से इनसे पंगा लेते आए हैं और हम केवल इनसे नहीं देखिए बुद्धिज्म का जब कंट्रोल पूरे भारत पर हुआ वेदांत खत्म होने लगा तो आदिशंकर ने जो बुद्धिज्म था उसको पैदल घूमकर चारों दिशाओं में मठ स्थापित करके करा जो इंटेलेक्चुअल अटैक है पोरस के ऊपर जो सिकंदर का अटैक था इकोनॉमिक्स uh, जो मतलब हिंदू समाज पिछले दस हजार साल से एक अनस्टॉप एक अक्षुण्य धारा बह रही है सिविलाइजेशन की अगर हम लोग दस पांच हजार रह जाएंगे तो फिर हमारे को म्यूजियम में रखेंगे लोग कि चलो देखो तो हिंदू ऐसे होते हैं बिल्कुल और बिल्कुण। आज हम 120 करोड़ हैं भगवान की कृपा से और हमारे पुरखों के विलक्षण त्याग उनकी प्रज्ञा उनके संकल्प और उनके समर्पण के कारण वी ओव टू देम एंड दैट इज वाई दिस माफिया को भी हम ही निपटेंगे इस माफिया से गोरों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि हम उनके एलाइज हैं अगले 10-20 साल में ये 120 करोड़ 135 से 140 करोड़ हो जाएंगे मेजोरिटी इसलिए हो रहा है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान इस्लामिज्म को छोड़ रहे हैं और वो भी बढ़ रहा है पाकिस्तान में भी बहुत खुद दोस्त है वो वो पढ़ा लिखा बंदा है वो उसने छोड़ा है उसने लेकिन वो घर पे बताता नहीं है क्योंकि उसकी जाना जीना हराम कर देंगे अच्छा हिंदुओं की कंडीशन सिमिलर बांग्लादेश में भी है सेम बांग्लादेश बहुत बहुत बुरी है बांग्लादेश तो में थोड़ा यह है आदित्य भाई की बांग्लादेश में एक तो नंबर्स है। और एक तो ज़्यादा और है है कि जो मिडिल क्लास हिंदुओं की वो वहां पर है पाकिस्तान में भी एक मिडिल क्लास है हिंदुओं की लगभग पांच छह लाख महेश्वरी अग्रवाल पुष्करणा ब्राह्मण वो सब हैं जो मेघवाल मैंने बताया था ये भी मिडिल क्लास में आते हैं काफी ऐसे पैसे वाले लोग हैं क्योंकि इन जानवरों को इन इन जहरियों को पैसा तो मैनेज करना आता नहीं है ये जिन्होंने तो लुटेरे हैं दे आर प्रेडेटर्स तो वेल्थ जनरेशन तो सिर्फ हिंदू इथोज में ही है ना तो बांग्लादेश के अंदर एक एक एफ्लुएंट मिडिल क्लास है एम्पावर्ड हिंदूज हैं सिविल सर्वेंट्स हैं प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज में तो वहाँ नशुद्रा जो है बेचारे जो उनकी प्रॉब्लम ज्यादा है ये जो एफ्लुएंट हिंदू है इसने तो दे आर इन द बेड विद इस्लामिस्ट तो इन्होंने तो अपना अरेंजमेंट कर रखा है वहां पर यद्यपि एक अच्छी बात है कि इन्होंने कम से कम इस्लाम को स्वीकार न करके अपनी हिंदू रूट्स को जीवित रखा है लेकिन स्थिति जो है वो वहां पर भी जब तक शेख हसीना है तभी तक हिंदुओं के लिए थोड़ा बहुत रहने लायक है अगर शेख हसीना हटती है वहां से तो तो पाकिस्तान से भी बुरे हालात होंगे बांग्लादेश के अंदर नहीं वो तो अमेरिका ने पूरा ट्राई और वो उसके लिए हमें अभी कंटिजेंसी बनानी पड़ेगी हम आग लगने पे कुआ खोदने वाला काम नहीं कर सकते डेढ़ करोड़ हिंदू बांग्लादेश के और एक करोड़ हिंदू पाकिस्तान के वी जस्ट कैन नॉट अफोर्ड टू लूज देम नहीं वो तो आ, इंडियन अमेरिकन ने तो पूरा ट्राई किया था बांग्लादेश में अवामी दूसरी पार्टी को लाने के लिए लेकिन अभी इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरवीन करके वो शायद उनका प्लान खराब कर दिया है और पाकिस्तान नहीं आवामी लीग तो भी है वो बीएनपी तो की बात तो कर रहे हैं आप आ, बांग्लादेश नेशनल पार्टी यस वो इंडियन गवर्नमेंट उसको किया देखने में कितनी डरावनी लगती है बच्चों को नींद ही नहीं आया उसको देख लेते मजाक नहीं कर रहा मेरे को भी डर लगता है उसको देख करके मुस्तु सी लगती है उसकी सुंदरता और प्रेमराज जयपाल की सुंदरता मैच होती है दोनों को दोनों को देख के बच्चों को नींद नहीं आती तो दोनों सेम है अच्छा एक मेरा एक लास्ट uh, क्वेश्चन है और ये अमेरिकन व्यू पॉइंट से है वो है कि जब अमेरिकन पाकिस्तान को बेल आउट करते हैं हर बार उसमें से कितना पैसा जो है वाज इज यूज्ड टू सबवर्ट द हिंदू इंटरेस्ट पहली बात तो ये है कि सारा पैसा आर्मी के जेब में चला जाता है जैसे उनको एड मिलते हैं वो कुछ नया प्लेन खरीद लेते हैं कुछ और खर्चा खरीद लेते हैं अभी तो ये कंडीशन आ रही है कि पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस को पाकिस्तानी ऑयल पैसा नहीं दे रहा है ये तेल नहीं दे रहा so तो है सो दे नॉट फ्लाई तो एक बनाना रिपब्लिक है और वही हमने पहले बताया था जमीन पे कब्जा किया हुआ है इस्लाम के द्वारा तो ये जो कंडीशन है वो पाकिस्तान का कंडीशन है और ये ये भी दिखाता है कि ये लोग किसी भी तरह कोई इस प्रकार का राज्य नहीं कर सब मुनाफिक है और कोई भी राज्य करने के योग्य नहीं है और भारतीय मुसलमानों को भी अकेला छोड़ देंगे तो वो पाकिस्तान एक नया ऐसे ही गरीब हो जाएंगे वो वो लो, लोग सारे सारे के सारे। वो, उनके जस्ट बिकॉज ऑफ और कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं है नाटक भारत में जितना नाटक करते हैं उतना कहीं और करके दिखा दें तो लोग उनको बाहर निकाल देंगे तो भारत जैसे यूरोप भी इनको घुसने नहीं देता है अमेरिका भी इनको घुसने नहीं देता है घुसने भी देता है तो कंडीशंस लगाता है आप पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके आ जाइए यूएस उसको सीधा आपको अरेस्ट करेगा वो सीधा अरेस्ट करेगा या क्वेश्चनिंग करेगा आपको सो

इट्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स और ये जो सेनेटर्स वगैरह जो होते हैं ये जो पॉलिटिशियंस है ये अपनी आत्मा को बेच देते हैं शॉर्ट uh, साइटेड होते हैं इनको अपना इलेक्शन अपनी पावर इतनी प्यारी होती है कि अपने देश को अपने बच्चों को अपने समाज को ये लोग एक बहुत ईवल माफिया को गिरवी रख रहे हैं ये शायद ये लोग देख ही नहीं पा रहे हैं दैट इज द होल थिंग फिर देर स्टॉप प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन एटलीस्ट इन यूरोप तो ये कहानी है कि उन्होंने बच्चे पैदा करना ही बंद कर दिया है केवल वो पहाड़ों पर चढ़ना और वो और अंट की शंट कहानियां ट्रांसजेंडर में ये ट्राई कर रही हूँ मैं, मैं कर रहा हूँ तो भाई जीवन जो नेचर है वो वो तो तो उसके मौलिक प्रिंसिपल्स है रिप्रोड्यूस को वो जब बंद करेंगे तो फिर आपको गुलाम चाहिए क्योंकि फिजिकल मैनुअल मिनियल जॉब कौन करेगा आप जब गुलाम चाहिए तो अल्जीरिया लीबिया ट्यूनिशिया मोरक्को यहाँ से लोगों को बुलाओगे इनको बुलाओगे तो ये अपनी आइडियोलॉजी साथ लेकर आएंगे अगर ये हिंदुओं को बुलाते तो हिंदू चुपचाप अपने मंदिर बनाते हैं अपनी पूजा करते हैं और इनके जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता मुझे तो समझ में नहीं आता है कि इनको अगर काम करने वाले वर्कर्स भी चाहिए तो 120 करोड़ हिंदू क्या कम पड़ रहे हैं इनको इन्हीं इन्हीं, इन्हीं इसी समाज में से चाहिए तो आई थिंक इट्स अ लैक ऑफ इंटेलेक्ट लैक ऑफ पूर्व एंड ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज बाय जकात मनी अरब पैसा जो है Uh, कि, uh, Arab, funding, आप एवरीबडी नोस की अरब जो वेस्ट की यूनिवर्सिटीज हैं उनकी मेनली फंडिंग अब आजकल अरब और चाइनीज कर रहे हैं और देन देर इज एन एलिमेंट ऑफ वाइट गिल्ट जो कॉलोनियल इरा से बाहर निकलने के बाद जो गोरा है वो बड़ा अपोलोजेटिक है कि नहीं नहीं इसको बुरा नहीं लग जाए वो हिंदुओं के प्रति भी है ऐसी बात नहीं है कि केवल मुसलमानों के प्रति है वो चाइनीज हिंदू सबके प्रति है कि नहीं नहीं हमने हमारे पुरखों ने इनके साथ बड़ा बुरा किया है तो वो उसके बारे में बड़ा एपोलॉजेटिक है सत्य को सत्य नहीं बोलना चाहता तो एक रिवर्स स्विंग में जा रही uh, तो है ये बेल आउट इसको तब तक करते रहेंगे और अपनी मूर्खता के कारण करेंगे इसका ब्लफ कॉल करें तो ये चीज फिर भी शायद एक रैशनल तरीके से सेटल की जा सकती है एंड टू आंसर योर लास्ट क्वेश्चन कि कितना पैसा हिंदुओं को तंग करने में जाता है जो अमेरिका देता है मैं एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बता सकता लेकिन आर सम एविडेंसेस अप्रत्यक्ष प्रमाण हमारे पास में है कि जो सिंध बुरी तरह से हिंदू डोमिनेटेड था वो मंदिरों को तोड़कर वहां पर मदरसे बनाए जा रहे हैं उसकी फंडिंग कहां से आ रही है जब एक तरफ तो एक पाकिस्तानी स्टेट कोलेप्स कर रही है भूखे मर रहे हैं इनके पास खाने को पैसे नहीं डॉलर की एक्सचेंज रेट देखिए आप देखते देखते तीन रुपए तक पहुंच चुका है तो मदरसा बनाने के पैसे कहां से आ रहे हैं तो ये सब कुछ गल्फ से फंडिंग और वो सब हिंदुओं को सर्वनाश करने में कोई पैसे की कमी भी नहीं है कोई संकल्प की कमी भी नहीं है और कोई रिसोर्सेज की कमी भी नहीं है इसलिए हाथ जोड़कर मैं हिंदू समाज से प्रार्थना करता हूं धर्मान फाउंडेशन इंडिया धर्मान फाउंडेशन यूएस निमितर जी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है इनको फंड करें हमारा एक ही संकल्प है हिंदू लीडरशिप से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कृपा करके ऐसे बचकाने तर्क देना बंद करें कि जो हिंदू जहां है उसको सशक्त किया नहीं कर सकते आप हिंदुओं को समाज इस्लामिक समाज में हिंदू को सशक्त करना एक इंपॉसिबल प्रपोजल है एक असंभव प्रस्ताव है आप केवल उस हिंदू को उस नर्क से निकाल सकते हो मगर मच्छ के साथ आप ये नेगोशिएट नहीं कर सकते कि यार प्लीज इस मछली को तू मत खा अगर मछली होगी तो मगरमच्छ उसको खाएगा उसका स्वभाव है वो आप उस मछली को निकालकर दूसरे तालाब में डाल सकते हो जहाँ मगरमच्छ नहीं होते इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। मैं मैं जयपुर का एक उदाहरण देता हूं जब आप राधा गोविंद मंदिर जाते हैं तो आपको ये पता लगता है कि युद्ध से पहले अर्जुन का शत्रु खत्म हो चुका था और गीता पढ़ने के बाद उसका शत्रु जागृत हो गया तो गीता एक ऐसी पुस्तक है युध्यचे पलायनम आपको आदेश देती है युद्ध से पीछे मत हटो कभी भी युद्ध से पीछे मत हटो और इस तरह आप अपने शत्रु बोध को जगाइए गीता पढ़ के और सही तरह का गीता ट्रांसलेशन पढ़िए सही गुरुओं से सुनिए बिकॉज़ कई लोग इस बात को भूल जाते हैं कि गीता पढ़ने से पहले जब अर्जुन भवानी की पूजा करता है उसको पूजा करने के बाद उसके डाउट्स आ जाते हैं मन में कि मैं अपने रिलेटिव को कैसे मारू क्योंकि आजकल ये गलत एपिसोड चला हुआ है ना कि डीएनए थ्योरी सेम है अरे डीएनए थ्योरी अगर सेम है तो पांडवों और कौरवों में युद्ध कैसे हुआ दोनों का डीएनए डीएनए सेम वो तो सेम था एक ही था एक ही था तो ये धर्म अधर्म की लड़ाई है और जितना आप अधर्म के विरुद्ध लड़ेंगे उतना ही ज्यादा आपको आपकी धर्म में प्रगति होगी तो कुछ और पॉइंट्स आप ऐड करना चाहते हैं जी नहीं बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देर आर टू मोर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट ऑफ हेल्पिंग पाकिस्तानी हिंदू एंड सरदार का नेरेटिव चलता है और आजकल जो यंगस्टर्स जो अमेरिका कनाडा में सरदारों के बच्चे हैं वो तो टोटली ब्रेन वॉश्ड हैं लेकिन उनको कोई बच्चों को उनको जाके कोई बताए कि पाकिस्तान में बीस हजार सिखों का जेनोसाइड कर रहा है इस वक्त इस्लामी समाज तुम जिन मुसलमानों को अपना दोस्त समझ रहे हो उनके लिए श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए मुझे बताने की जरूरत नहीं है पर यह याद रखना श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार पुत्र इसी हत्यारे समाज ने मार डाले थे अगर तुम सोचते हो कि तुम्हें नहीं मारेंगे तो तुम्हारी अकी की बलिहारी है खालिस्तान के इशू को नंगा करने के लिए हमें पाकिस्तानी हिंदू और पाकिस्तानी सिखों के साथ जो हो रहा है मेरे पास ढाई सिख हैं आप उस दिन आए थे मैंने तीन सिख मिलाए थे आपको बिल्कुल श्री सिंह वगैरह वो सरदार हैं कराची से भागे हैं बारह साल पहले अभी आज के युग की बात हो रही है दूसरा ये जो परम आदरणीय असदुद्दीन ओवीसी जी जो है भाग्यनगर के जो जिनका भाई कभी धमकी देता है कि पंद्रह मिनट में ऑल्सो एड कर दीजिए परम निद्राग्नि तो ये कहते भीम दलित मुस्लिम एकता नब्बे प्रतिशत जिन हिंदुओं को हम पाकिस्तान से निकालते हैं वे दलित समाज के हैं इक्कीसवीं शताब्दी में पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ जो कि दलित है नब्बे इस्लामी समाज ये कर रहा है आप पूरे नैरेटिव को पंचर कर सकते हो मीम भीम भीम एकता का जो एक नैरेटिव चलाते हैं ये पागल लोग उसको आप पंचर कर सकते हो कि तुम झूठ बोलते हो तुमने दलितों के साथ वहां जो किया है वही तुम भारत में भी करोगे दलित समाज भारतीय हिंदू समाज का मैं दलितों के साथ सुबह शाम उठता बैठता मैं तो दलित कहता ही ही नहीं मैं इनको सहोदर सहोदर समाज कहता हूं एक ही के बेटे हैं हम तो ये दो है और ये दो एस्पेक्ट्स पाकिस्तानी हिंदू इशू के और हैं जो कि स्ट्रैटेजिक रूप से हमारे को काम में लेने चाहिए मैं हैदराबादी एक्सेंट में बोलूंगा अगर बोला तो अगर पंद्रह मिनट के लिए अगर पुलिस को रोक दिया जाए तो फिर आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा या कहीं और देश किसी और देश

और शत्रु बोध जागृत करिए और साथ में एक्टिवली इन्वॉल्व होइए अपने पुरुषार्थ के लिए अपने लिए दूसरे के लिए नहीं आप किसी और के लिए कुछ नहीं कर रहे हम जो भी कर्म कर रहे हैं अपनी शुद्धिकरण के लिए करते हैं और किसी और के लिए नहीं करते है। तो तुलसी रघुनाथ गाथा पाकिस्तान के हिंदुओं को बचाना मेरा सुख है वो जब नन्ही बच्ची मेरी छाती से जब चिपकती है कि आप इंडिया वाले पापा हो जिसने हमको निकाला है मेरे लिए तो मुझे संसार का सब कुछ मेरा मोक्ष मुझे मिल गया जब वो बच्ची मेरे गले आके चिपकती है अपने लिए कर रहे हैं कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता सो थैंक यू ऑल वेरी मच नमस्ते एंड थैंक यू जय जगन्नाथ